Assalamualaikum. आज हम बनाने वाले हैं चटपटा आलू नान मैकडोनल्ड स्टाइल. बिल्कुल मैकडोनल्ड जैसा टेस्ट होगा इसका. तो उसके लिए मैंने एक कप मैदा ले लिया है. इसमें 1 टीस्पून पाउडर शुगर, 2 पिंच बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से. अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे. ये 3 टेबल स्पून दही है. ये इंस्टेंट नान बनाने वाले हैं हम, जिसका हम डो गूंद रहे हैं. तो दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. तो ये देखिए, दही को मैंने मिक्स कर लिया है फ्लोर में अच्छी तरह से. अब थोड़े थोड़े पानी का यूज़ करते हुए सॉफ्ट डो गूंद लेंगे हम. अब थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और इसकी मालिश करनी है अच्छी तरह से. डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए. तो मैंने इस पर ऑयल लगा दिया है. इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे हम. अब फिलिंग बना लेते हैं आलू की. जो हम आलू की टिक्की बनाने वाले हैं उसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है पैन में. ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे. ये उबली हुई मटर है. 1/2 कप मटर ली है मैंने उबली हुई. अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं. मटर को हल्का सा सॉटे कर लेंगे ऑयल में. ध्यान रखें मटर उड़ती है. अब इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म होने तक अच्छी तरह से इसको भून लेना है. 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है मैंने. तो ड्राई मसाले डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे ये हरी चटनी, जो मैंने हरी मिर्ची और हरे धनिए को पीस कर बनाई है. वो हरी चटनी इसमें डाल देंगे. ये बहुत ही चटपटा, थोड़ा तीखा सा और मज़े का बनने वाला है. तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा. ये काफ़ी मज़ेदार बनता है. बिल्कुल मैकडोनल्ड जैसा टेस्ट होता है इसका. अब हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और हल्का सा सॉटे कर लेंगे. ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया है. तो आलू को अच्छी तरह से मसालों में मिला लेंगे. तो ये देखिए, मसालों में अच्छी तरह से आलू को मिला लिया है मैंने. अब ये टिक्की बनाने के लिए रेडी है. इसको ठंडा कर लेंगे हम बाहर निकाल के. तो ये आलू की फिलिंग ठंडी हो चुकी है. हाथों को ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे. अब इसकी हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे. जितनी आप बड़े साइज़ की बना रहे हो या छोटी साइज़ की बना रहे हो उस हिसाब से ले लीजिए. तो ये देखिए, इस तरीके से हमें टिक्की बना लेना है. ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है. मीडियम साइज़ रखना है इसका. तो दूसरी भी इसी तरीके से बना लेंगे. तो ये दूसरी भी हमारी बनकर रेडी है. सारी टिक्कियों को मैंने बना लिया है. ये मैंने 1/3 कप मैदा लिया है और 1/3 कप फ्लोर लिया है. इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे. ये हम स्लरी बनाने वाले हैं, जिसमें हम हमारी टिक्कियों को डीप करने वाले हैं. तो इसमें पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे. ये देखिए, इतना पतला रखा है मैंने इसको. और ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने. ये ब्रेड क्रम्स होममेड है. ये मैंने घर पर बनाए हैं. बहुत ही अच्छे बन जाते हैं घर पर. आपको रेडीमेड लाने की ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहले हमने जो स्लरी बनाई है उसमें हम आलू की टिक्कियों को डिप कर देंगे. एक्सेस को झटक देंगे और ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर देंगे. बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनती है ये. तो ये देखिए, एक टिक्की हमारी बनकर रेडी हो चुकी है. अब दूसरी भी इसी तरीके से बना लेंगे हम.
ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से कोट करना है हाथों से दबाते हुए हर जगह पर, वरना कहीं कहीं से रह जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरह से कोट कर लीजिए और सारी टिक्कियों को इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारी टिक्कियों को मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया है। अब हम इसको शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे और फ्लेम को हाई भी नहीं करना है, वरना ये टूट जाते हैं, काफ़ी नाजुक होती है ये टिक्कियाँ। तो इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इसको क्रिस्पी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक साइड से ये पक चुके हैं, 5 मिनट लगे हैं इसको पकने के लिए। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से 5 मिनट तक इसको पका लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, डो हमारा कितना सॉफ्ट हमने गूंदा है देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम डो गूंदा है। इसी तरीके का होना चाहिए, इससे क्या होता है कि जब हम नान बनाते हैं तो वो सॉफ्ट बनते हैं। तो अब हम इसके हिस्से कर लेंगे। तो इतने डो में 4 हमारे नान बनकर रेडी होंगे। तो पेड़ा बना लेंगे हम। अब इस पर मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। इसको लंबा बेलना है, गोल नहीं बेलेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे और लंबा बेलेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से कि एक हमारी टिक्की आ जाए और ये इजीली फोल्ड हो जाए। तो इसको लो फ्लेम पर पैन पर रख देंगे। पैन तवे को गरम कर लीजिए और लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए बस इसको पकाना है कवर करके। ये देखिए कलर वगैरह कुछ नहीं लाना है, हल्का सा कच्चा पक्का रखना है इसको। ये देखिए बस इस तरीके से पकाना है। दूसरा वाला भी इसी तरीके से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब साइड को पलटी करके दोनों साइड पर 2-2 मिनट पकाना है कवर करके। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी होममेड नान बनकर रेडी हो गई है। ये मैंने मायोनीज लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून हम रेड चिली सॉस डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है ताकि रेस्टोरेंट जैसा इसका कलर आ जाए। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो ये सॉस हमारी बनकर रेडी है। अब हम नान को ले लेंगे। सबसे पहले इस पर हम लगाएंगे मायोनेस, जो सॉस हमने बनाई थी वो सॉस लगा देंगे। अब इस पर अनियन रख देंगे कट किए हुए, स्लाइस में कट किए हैं मैंने अनियन को। अब जो आलू की टिक्की है हमारी उसको हम रख देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसको ग्रिल पैन में हम ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो एक साथ 2 टिक्की भी रख सकते हैं नान के अंदर। तो बटर लगा लिया है ग्रिल पैन में, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको ग्रिल कर लेना है ताकि ग्रिल के निशान आ जाए। हल्का हल्का सा प्रेस कीजिए, इससे ये होता है कि ग्रिल के निशान आते हैं। ऊपर वाली साइड पर भी बटर लगा लेंगे हम। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से टर्न कर लेना है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, ग्रिल के मार्क्स भी आए हैं। अब नीचे वाली साइड पर भी इसी तरीके से हम इसको सेक लेंगे। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब सेकेंड वाला भी इसी तरह से बटर लगा लेंगे और उस पर हमारी नान को रख देंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल बटन को दबाने से मैं जो भी रेसिपीज नेक्स्ट डालूँगी उसकी वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। तो ये दूसरा भी हमारा बनकर रेडी है।
तो ये देखिए झटपट से हमारा चटपटा आलू नान बनकर रेडी है, बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।